स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थ्री का मॉरल साइंस। और प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट टू का चैप्टर थ्री कंप्लीट किया था, सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फोर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सोसाइटी एंड ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ अदर्स अराउंड अस वाइल डूइंग सम थिंग्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है, डू नॉट शार्प योर पेंसिल विथ अ नाइफ एंड ब्लेड्स। हमें पेंसिल चाकू से नहीं शार्प करना चाहिए या फिर ब्लेड से भी नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी शार्प एंड हार्मफुल। ये बहुत ही शार्प होता है और हमारे लिए नुकसान देता है। वी शुड नेवर प्ले विथ फायर वर्क्स। हमें पटाखों से नहीं खेलना चाहिए। थिंग्स लाइक फायर क्रैकर, रॉकेट, स्पार्कलर आर जस्ट टू डेंजरस, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं बहुत ही डेंजरस होती हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट और प्लग्स विथ वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल सॉकेट और प्लग्स को नहीं छूना चाहिए। या फिर डू नॉट टच ओपन स्विच। हमें स्विच को भी ओपन नहीं करना चाहिए या फिर टच भी नहीं करना चाहिए। इट मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। वेन यू आर अलोन एट होम, नेवर ओपन द डोर ऑफ योर हाउस फॉर स्ट्रेंजर। अगर आप लोग घर में अकेले हो तो कोई भी अजनबी के लिए, जो जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए हमें अपना दरवाज़ा ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, यू मे स्लिप डाउन एंड फॉल। हमें सीढ़ियों पे नहीं भागना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग स्लिप करेंगे और गिर सकते हैं। डू नॉट जंप ऑन द बेड, हमें बेड पे जंप नहीं करना चाहिए। फिर है फर्स्ट एड बॉक्स। ए फर्स्ट एड बॉक्स और किट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सप्लाइज एंड इक्विपमेंट फॉर यूज इन गिवन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बॉक्स और किट क्या होता है, एक सप्लाई और इक्विपमेंट का क्या होता है, पूरा कलेक्शन होता है जो कि हम लोग फर्स्ट एड के लिए यूज़ करते हैं। यू शुड कीप वन फर्स्ट एड बॉक्स इन योर होम। हमें अपने घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो रखना ही चाहिए। यू कैन मेक वन ऑफ योर ओन, और एक खुद का। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स, चूज कंटेनर फॉर योर किट दैट आर रूमी, ड्यूरेबल एंड ईजी टू कैरी एंड सिंपल टू ओपन। अगर आप लोग फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहते हैं तो एक ऐसा कंटेनर लेना होगा जो कि रूम में रख सकें, जो कि ड्यूरेबल हो, आसानी से उसे हम लोग हर जगह कैरी कर सकें और आसानी से वो खुल जाए। इंक्लूड द फॉलोइंग इन ईच ऑफ योर फर्स्ट एड बॉक्स और किट। और फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गॉज रोल एंड पैड्स, अधेसिव टेप, इलास्टिक बैंडेज, सोप, एंटीसेप्टिक वाइप, सीजर, सेफ्टी पिन, थर्मोमीटर, आई ड्रॉप्स, एंटी इच लोशन और क्रीम, इमरजेंसी फ़ोन नंबर 102 फॉर एम्बुलेंस। फर्स्ट एड बॉक्स इज मस्ट फॉर एवरी होम। हर एक घर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और ये हम सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वूंड्स। अगर हमें कुछ कट जाता है या फिर चोट लग जाती है तो हम लोग को कैसे उसका फर्स्ट एड करना होगा, तो सबसे पहले है वॉश द डर्ट अराउंड द वूंड। सबसे पहले जो जख्म है, जो चोट लगी है, वहाँ पे जो गंदगी, उसे साफ करना होगा। क्लीन द इंजर्ड पोर्शन विथ कॉटन सोक्ड इन एंड एंटीसेप्टिक लोशन। और फिर जो चोट का जो पोर्शन है जहाँ पे लगा हुआ है उसे हम लोग को क्लीन करना होगा कॉटन से, जो कि एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में सोक किया हुआ हो। इफ़ द कट इज़ माइनर, कवर इट विथ बैंडेज। अगर छोटी सी चोट है तो उसे हम लोग को बैंडेज से कवर कर देना होगा। इफ़ द कट इज़ बिग, लेकिन अगर कट ज़्यादा है, चोट ज़्यादा लगी है, तो उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा करके वुंड पे हम लोग रखेंगे। प्लेस अ थिक पीस ऑफ कॉटन गॉज ओवर द वुंड। फिर उसके बाद एक थिक पीस ऑफ कॉटन गॉज का हम लोग उस चोट पे लगा देंगे, फिर बैंडेज कर देंगे। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर हम लोग जल गए हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, बॉइलिंग वाटर, फायर क्रैकर एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट। हम लोग कैसे जल सकते हैं, किसी गर्म चीज़ से, गर्म पानी से, फायर क्रैकर से या फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होल्ड द ब्रंट एरिया, बर्नड एरिया अंडर वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। जहाँ पे हम लोग का जला है जो एरिया, उसको हम लोग कुछ देर पानी में हमें रखना होगा। डू नॉट पुट आइस ऑन द बर्न, और बर्फ नहीं लगाना होगा क्योंकि इससे क्या होते हैं, हमें छाले पड़ सकते हैं। अप्लाई एन ऑइंटमेंट ऑन द बर्नड पोर्शन। फिर हमें वहाँ पे एक ऑइंटमेंट लगाना होगा जहाँ पे जला हुआ है।
कवर द वुंड लाइटली विद गौज बट डू नॉट यूज कॉटन। हमें गौज से धीरे से उस जख्म को कवर कर देना होगा, लेकिन कॉटन नहीं यूज़ करना है। कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर सीरियस बर्न। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल गया तो हमें डॉक्टर को इमीडिएट कॉल करना होगा। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्राई टू कीप द पेशेंट स्टिल एंड काम। सबसे पहले पेशेंट जो है उसको शांत करना होगा, फिर डॉक्टर को कॉल करना होगा। गिव सपोर्ट टू द फ्रैक्चर पार्ट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड फ्लैट वुडन पीस। और जहाँ पे वो फ्रैक्चर पार्ट है, मीन्स जहाँ पे वो टूटा हुआ जो पार्ट है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, वहाँ पे हम लोग को एक कार्डबोर्ड के पीस से या फिर फ्लैट वुडन पीस से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से उसको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा ताकि वो मूव ना करे। मेक अ स्लिंग विथ अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ फॉर सपोर्टिंग अ ब्रोकन आर्म। एक स्लिंग बना लेंगे ट्रायंगुलर पीस, कपड़े के एक ट्रायंगुलर पीस से, ताकि जो ब्रोकन आर्म है उसे को सपोर्ट मिल सके। फर्स्ट एड नोज ब्लीडिंग। अगर नाक में से खून आ रहा है तो उसे हम लोग कैसे सही करेंगे? कीप द पर्सन सिटिंग इन अपराइट पोजिशन। जो इंसान है उसको हम लोग बैठा देंगे अपराइट पोजिशन में, विच इज़ हेड स्लाइटली बैकवर्ड, और जो उसका सर है वो पीछे की तरफ करके। प्रेस द नॉस्ट्रल टुगेदर फर्मली, और जो हम नॉस्ट्रल है उसको हम लोग प्रेस करेंगे। कीप अ वेट टॉवल ऑन द हेड, और सर पे एक गीला टॉवल रख देंगे। आस्क द पर्सन डू नॉट ब्लो हिज हर नोज एंड टू ब्रीथ थ्रू द माउथ। और जिस इंसान को ये हुआ है उसे हम लोग ये कहेंगे कि वो नाक से सांस ना ले, वो मुंह से सांस ले, ठीक है। फर्स्ट एड आफ्टर डॉग बाइट इंजरी एट होम। अगर डॉग काट लेता है तो हम लोग घर पे उसका कैसे फर्स्ट एड करेंगे? डॉग में भी अवर बेस्ट फ्रेंड। डॉग क्या होता है? हमारे बेस्ट फ्रेंड। बट डॉग आर स्टिल एनिमल, लेकिन डॉग्स वो जानवर ही हैं एंड दे कैन बाइट, और वो काट भी सकते हैं। चिल्ड्रेन आर ऑल्सो मोर लाइकली देन एडल्ट्स टू बी इंजर्ड बाई अ डॉग बाइट। बच्चों को ज़्यादा डर रहता है डॉग के काटने से, ठीक है। टू केयर फॉर अ डॉग बाइट इंजरी एट होम। फर्स्ट प्लेस अ क्लीन टॉयल ओवर द इंजरी टू स्टॉप एनी ब्लीडिंग। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे हम लोग एक साफ टॉयल रख देंगे ब्लीडिंग रोकने के लिए। ट्राई टू कीप द इंजर्ड एरिया एलिवेटेड, और हम लोग ये कर सकते हैं कि जो इंजर्ड एरिया है वो साफ रहे। वॉश द बाइट केयरफुली विथ सोप एंड वाटर। वो जहाँ पे कटा हुआ है उसको सोप और वाटर से हम लोग धो के साफ कर लेंगे। अप्लाई अ स्टेराइल बैंडेज टू द वाउंड, और एक स्टेराइल बैंडेज हम लोग उस जख्म पे लगा देंगे। अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट टू द इंजरी एवरी डे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग ऑइंटमेंट भी वहाँ पे लगा देंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 4 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसको आज हम लोग ने पढ़ लिया है। आप लोग इसे अच्छे तरह से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।